एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा 1 की जो लास्ट क्लास है, हमने ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी और ग्रुप की डेफिनेशन के अलावा हमने कुछ दो रिजल्ट्स किए थे जो बेसिक रिजल्ट्स हैं। एक था यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरा क्या था जी? कैंसिलेशन लॉ का। अभी कोसेट्स कहाँ से आ गए, कहीं और आपने पढ़े होंगे। तो एक लेफ्ट कैंसिलेशन और राइट कैंसिलेशन लॉ जो है, इनको जो है प्रूव करना था। और दूसरा ये है कि हमने ये शो किया था कि अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन हो तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर लीनियर इक्वेशन हो और उसके एलिमेंट्स ग्रुप में हो तो ऐसी सूरत में उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो सोल्यूशन जो है वो यूनिक होता है। ये बात हमने जो है ये पढ़ी थी। अब इसके बाद जो है वो कुछ चीज़ें, कुछ फर्दर एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं कि जिससे हमें पता चले कि ग्रुप के एक्सियम्स जो हैं वो किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक मरतबा रिव्यू करा देता हूँ कि ग्रुप के एक्सियम्स क्या थे। नंबर पे वन पे जो था वो क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, यानी कि अगर लेट ए बी बिलोंग टू एस देन ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस एज वेल, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार, विद रिस्पेक्ट टू स्टार, और ये है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एस वी हैव दिस प्रॉपर्टी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तीसरी है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार ई बिलोंग्स टू एस इज द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस वी हैव ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। नंबर फोर पे हमने पढ़ी थी, नंबर फोर पे हमने पढ़ी थी इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट की प्रॉपर्टी, इनवर्स एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार लेट, हमने कहा था ए इनवर्स बिलोंग्स टू एस is the inverse of A belongs to S if we have A inverse star equals A star A inverse equals E for all A belongs to S, यानी कि हर एलिमेंट के लिए एक इनवर्स जो है वो होना चाहिए, such that कि उसका product उसके इनवर्स के साथ आइडेंटिटी है। और पांचवी जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस we have a star b equals b star a। ये पांचों प्रॉपर्टीज अगर किसी स्ट्रक्चर में होती हैं, किसी जो है अगर किसी सेट में होती हैं तो वो सेट कहलाता है अबेलियन ग्रुप, और फर्स्ट फोर प्रॉपर्टीज अगर किसी सेट में होती हैं तो वो कहलाता है ग्रुप।
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने कुछ रिजल्ट्स देख लिए थे और अब इसकी एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में एक हम सेट ले रहे हैं, सेट है x such that x square equals 1, ठीक है, या इस तरह से लिखें, where x belongs to R, ये हमारे पास सेट है। तो हम ये देखेंगे कि ये सेट, पहले तो ये समझ लेंगे ये सेट को किस तरीके से लिखा है और ये सेट होगा कौन सा। तो ये जो जिस नोटेशन में सेट लिखा है ये कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमें सबसे पहले तो उसके एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि इसके एलिमेंट्स हैं कौन से। तो इसके एलिमेंट, इसका सेट को कोई नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम हम यू टू कह देते हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके एलिमेंट्स x पर मुश्तमिल होंगे। x क्या है, x रियल नंबर है, और क्या है x, x स्क्वायर इक्वल्स 1। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम निकाल लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो इस ये सेट आ जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को सॉल्व करें तो हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस 1 और एक माइनस 1। तो माइनस 1 प्लस 1 ये दो वैल्यूज आ गई। तो ये सेट है यू टू। अब चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं, तो इसके लिए हम ये अभी ग्रुप है या नहीं, तो हम इसके लिए पांचों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज के लिए पहले हम ऐसा करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं। अच्छा, इसको देखना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यू टू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ये क्या है, ये हमें स्ट्रक्चर देखना है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, तो उसके लिए एक टेबल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कंपोजिशन टेबल या मल्टीप्लीकेशन टेबल। वो किसी भी ऑपरेशन के लिए हो लेकिन कहते हैं उसे हैं मल्टीप्लीकेशन टेबल। अब इसके बाद हम इस तरह से लिखते हैं कि एलिमेंट -1, -1, -1 लिखते हैं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि सारी पॉसिबल मल्टीप्लीकेशन आ जाती हैं, लेकिन ये फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए ही हो सकता है, बल्कि फाइनाइट में भी अगर कम हो, बहुत ज़्यादा के लिए तो प्रैक्टिकली जो है वो आप हाथ से नहीं कर सकते, आपको भी कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, और अगर इन्फिनिट मैनी एलिमेंट्स हो तो फिर तो कर ही नहीं सकते, फिर इस तरह से टेबल जो है वो बनाना जो है वो फिजिबल नहीं रहता। तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ 1, -1 से मल्टीप्लाई हुआ -1, -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास -1 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास 1 आ गया। अब आपने देखा कि इसके अंदर जितने भी ये सारे क्या हैं, ये ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो दो एलिमेंट्स हैं तो चार पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, तो चार पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास ये आ गए, ये चारों के चारों इस सेट एस के अंदर मौजूद, सॉरी यूट्यूब के अंदर मौजूद, तो ये सारे यूट्यूब में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रही है। इसके बाद आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आप -1 टाइम्स -1 टाइम्स 1 इस तरह से कर ले। जाहिर है कि दो ही एलिमेंट्स है तो कोई एक एलिमेंट दो मरतबा लिख लें, तो ये जो है ये होगा -1 टाइम्स -1 और ये आ जाएगा +1, और इस तरह से करें फिर -1, तो ये हो जाएगा 1.1 और ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड कर रही है। अब इसके बाद आप जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट देख लीजिए। आइडेंटिटी एलिमेंट का आपको कैसे पता चलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का उसकी डेफिनेशन से। आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि जब वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट किसी के साथ भी ऑपरेट होता है तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम इसके बाद यहां पर देखते हैं इन रोस को। आइडेंटिटी एलिमेंट इसका मतलब है मल्टीप्लाई होगा किसी से, तो उस रो पे कोई फर्क अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो आगे देखें कि 1 जो है वो इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये रो जो है पूरी की पूरी वैसे ही आ गई, यहां इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 belongs to U2 is the identity element। तो ये हमें टेबल से ही पता चल गया, ये जो कंपोजिशन टेबल है से ही पता चल गया। हमें इनवर्स का भी इसी कंपोजिशन टेबल से पता चल जाता है। वो कैसे, इनवर्स की डेफिनेशन देखिए। इनवर्स की डेफिनेशन ये है कि जब दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करें रिजल्ट आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स है।
जैसे कि ए और ए इनवर्स या ए और ए इनवर्स, ठीक है ना, इनको ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो हमें यहाँ देखना है कि आइडेंटिटी कहाँ है, जहां आइडेंटिटी आ रहा है उसका मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो आप देखिए यहाँ आइडेंटिटी आ रहा है तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यहाँ आइडेंटिटी आ रहा है तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो इसका मतलब है कि इनवर्स भी हमें मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए अगर रिजल्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास, क्योंकि हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो चलो ठीक है प्रोडक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, आइडेंटिटी आ जाए तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या है, हमें पता चल गया कि वन आइडेंटिटी यहाँ वन आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ऑपरेट हुआ तो ये आया ना, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। इसी तरह इसरो में भी हमने देखा कि वन है तो ये दोनों ऑपरेट हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। तो माइनस वन का इनवर्स माइनस वन और वन का इनवर्स वन, तो इसका मतलब है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि माइनस वन इज इक्वल टू वन टाइम्स वन इज इक्वल टू वन, विच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब इसके बाद आप देखिए कि ये आपने देखिए आप इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करना जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। आपके पास ये है, आप इसका एक डिटरमिनेंट बनाइए, सॉरी मैट्रिक्स बनाइए, वन माइनस वन माइनस वन वन, या क्या इसका आप ले लीजिए ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज यही आ जाए यानी कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो इसका मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो आप इसका लीजिए पहली रो को पहला कॉलम बनाइए तो वन माइनस वन, फिर दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाइए तो माइनस वन वन, तो ट्रांसपोज लेने से कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो ये जो सेट है यू टू विद रिस्पेक्ट टू स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक, ये अबेलियन ग्रुप है। अब ऐसा करते हैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, ठीक, अगर ये देख लो ठीक, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा जो है वो एक्सटेंड करते हैं और वो इस तरह से कि ये हम सेट इस तरह से कर लेते हैं कि कहते हैं कि x such that x to the power 4 equals 1 where x is a real number, नहीं यहां पर हम रियल नहीं कर रहे, अब हम ये कह रहे हैं कि where x is a complex number। ठीक, और हम इस सेट को कह देते हैं यू फोर, एक्स की पावर क्या है, एक्स की पावर फोर है, एक्स की पावर फोर, ठीक। तो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सबसे पहले तो ये वैल्यूज निकालेंगे क्या है, तो इसका मतलब एक्स टू द पावर फोर इक्वल्स वन का सॉल्यूशन, तो एक्स टू द पावर फोर इक्वल्स वन इंप्लाइज एक्स की कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, चार आ जाएंगी, चार एक्स की वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी होंगी, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। वो किस तरह से होगा, एक्स टू द पावर फोर है ना, तो आप एक्स स्क्वेयर माइनस वन एक्स स्क्वेयर प्लस वन इक्वल जीरो, ये फैक्टर लिख सकते हैं इसके, तो जब एक्स स्क्वेयर माइनस वन इक्वल जीरो ये लिखेंगे तो यहां से आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, और दूसरा जो है जब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो प्लस वन हो जाएंगे माइनस वन हो जाएगा, और एक्स जब इसके ऊपर से स्क्वेयर हटाएंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन का स्क्वेयर रूट प्लस माइनस आयोटा होता है, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। तो इस तरह से हमें पता चला यू फोर जो हमारे पास आ रहा है इसके चार जो है रूट्स यानी कि चार एलिमेंट्स हैं, प्लस वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। इसको फर्दर हम देखेंगे कि और किस तरीके से जो है इसको देखते हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे इसका भी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे वैसे ही, ताकि हम क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टीज जो है वो शो कर सके, ठीक है। कंपोजिशन टेबल से बड़ी आसानी से चीजें शो हो जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाया और
वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, ये हम लिखेंगे ठीक है। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वन मल्टीप्लाई भी वन, ये वन आ जाएगा, ये माइनस वन आ जाएगा, ये आयोटा ये माइनस आयोटा, माइनस वन प्लस वन माइनस आयोटा प्लस आयोटा, और ये आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वेयर होता है और आयोटा स्क्वेयर आपको पता है कि माइनस वन होता है, माइनस वन आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा स्क्वेयर, जो आयोटा स्क्वेयर वन होता है, माइनस वन होता है तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो ये आपके पास प्लस वन आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा प्लस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा स्क्वेयर विच इज वन, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा स्क्वेयर विच इज माइनस वन। कोई भी कॉलम हो या कोई भी रो हो उसमें आप देखिए कोई भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, दो एक जैसे अगर आ रहे हैं या कोई मिसिंग है तो इसका मतलब है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और ये जो है वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। नजर देखते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए कि सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियरली नजर आ रही है कि सारे जो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, जितने ही प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे यू टू में आ रहे हैं, यानी हर एलिमेंट जो है यू टू, सॉरी यू फोर, हमने से कहा यू फोर के अंदर आ रहा है। इसके अलावा अब मैं एसोसिएटिव उस तरह से नहीं लिख रहा, आप तीन एलिमेंट्स लेके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो देखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई हो जाएगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आसानी से इसमें वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो है वो आप देखें आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो इस तरह से हमें पता चलेगा कि हम ये देखेंगे कि ये जो रो है एज इट इज अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो जो एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, क्योंकि वो सेट के सारे एलिमेंट्स को फिक्स कर रहा है, उसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं ला रहा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन हमने यूज की तो उसके बताए वन मल्टीप्लाई वन वन, वन मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस वन, वन मल्टीप्लाई आयोटा, वन मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है वही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वन जो होगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, वन बिलोंग्स टू यू फोर इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, कोई प्रॉब्लम इस चीज में। अब इसके बाद जो है हम देखेंगे इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स से कैसे पता चलेगा, इनवर्स की डेफिनेशन से, और इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, दो एलिमेंट्स को जब आपस में ऑपरेट करें रिजल्ट अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। हर रो में तलाश करें आइडेंटिटी एलिमेंट, जहां आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है आप कह दीजिए कि वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स है। पहला वन ये वाला देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, यहां वन आ रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, माइनस वन का इनवर्स माइनस वन, यहां वन और का वन आ रहा है ये रहा वन, तो इसका मतलब है आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि वन ओवर आयोटा जो होता है वो माइनस वन ओवर आयोटा है। इसी तरह से और वन का आ रहा है यहां वन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा है, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा माइनस आयोटा का इनवर्स आयोटा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैंने बता दिया लिखा नहीं है यहाँ पे लेकिन मेरा ख्याल है कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं, और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए आप क्या करें, ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है ये जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं इनको लिखें वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा माइनस वन वन माइनस आयोटा 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 माइनस आयोटा माइनस वन वन माइनस आयोटा आयोटा वन माइनस वन। इसके बाद इसका लीजिए ट्रांसपोज, तो पहली रो पहला कॉलम बना दीजिए तो ये जाएगा वन माइनस वन आयोटा माइनस वन वन माइनस आयोटा 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 माइनस वन वन माइनस आयोटा आयोटा, और फिर उसके बाद माइनस आयोटा आयोटा वन और माइनस वन, ठीक।
देखिए कोई फर्क नहीं पड़ना, ये वही आ रहा है कि सेल पे कैपेसिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर दी है, तो U4 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अभी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अभी है। इसी तरह से अगर आप U3 देखते हैं, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल्स ऐसी दे रहा हूं जो कि आप आसानी से U3, तो उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, x सच दैट x क्यूब इज इक्वल टू 1 वेयर x इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसकी तीन वैल्यूज होती 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसको जो है वो सॉल्व करते हैं, आप चेक करते हैं तो ये भी जो है वो अबेलियन ग्रुप आएगा, ठीक है। आप उसमें ऑपरेशंस आप कौन से यूज करेंगे, ओमेगा क्यूब इज 1 ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा ओमेगा क्यूब होगा जो कि 1 हो जाएगा, ठीक। तो जब आप ये देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन तो U3 भी जो है वो अबेलियन ग्रुप है, लेकिन ये आपको U3 U2 U4 यानी U2 U3 U4 ये आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया क्योंकि आपको पता चल गया कि इसके रूट्स क्या है। तो लेकिन अगर आपको इसके बजाय U5 दे दिया जाए और ये कहा जाए कि ये हो जाएगा x such that x to the power 5 equals 1 where x belongs to C, तो ऐसी सूरत में आपको x to the power 5 equals 1 की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो मसला जो है वो ये वाला नहीं होगा जो अभी आपने सीखा है, मसला हो सकता है कि आपको ये हो जाए कि ये इसमें x की क्या वैल्यूज होगी। तो कोई बता सकता है कि x की क्या वैल्यूज होगी, x की पावर 5 को अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा? आपको ऑयलर फॉर्म याद है कुछ, डी मॉर्गेस थ्योरम याद है आपको, कभी पढ़ा था डी मॉर्गेस थ्योरम? ये ऐसा लग रहा है कि कभी नाम सुना है आपने डी मॉर्गेस थ्योरम, सबने सुना है नाम डी मॉर्गेस थ्योरम का। तो डी मॉर्गेस थ्योरम के जरिए दरअसल ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं जो जिससे आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि आप घर जाइएगा, जब घर पे जाएं तो या कैंपस में डी मॉर्गेस थ्योरम देखिएगा, तो डी मॉर्गेस थ्योरम से आप लोग क्या कीजिएगा, u टू दी पावर सॉरी u सब n x x टू दी पावर n इक्वल्स 1 वेयर x बिलोंग्स टू c, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिएगा, तो वो आपके पास जो x की वैल्यूज आएंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी, और फिर ये प्रूव कर दीजिएगा, ये प्रूव कर दीजिएगा कि un विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज अबेलियन, ये भी एक अबेलियन ग्रुप होगा। और इसके प्रूव करने का, अच्छा जब डी मॉर्गेस थ्योरम आप देखेंगे तो उसको लिखने का एक ऑयलर फॉर्म भी आएगी जो आपको याद होगा, इस तरह से डी मॉर्गेस थ्योरम में ये होता था कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फॉर्म होती थी, इसको लिखते थे ई टू दी पावर आयोटा थीटा, इस फॉर्म में लिख देते आसानी के लिए। तो आप इस फॉर्म में लिखिएगा ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए, क्योंकि आपको पता है ई को ई से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल पावर जेड कर देंगे, ठीक है ना, पावर जेड सब्ट्रैक्ट करनी होगी, यानी मल्टीप्लीकेशन जो होगी वो मल्टीप्लीकेशन दरअसल क्या होगी कि पावर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो इस तरह पानी पी लो, मास्क लगा के क्लास लेना बहुत मुश्किल होता है, अगर आप सब लोग अच्छी तरीके से मास्क लगाएं तो मैं उतार के फिर क्लास लूं, क्योंकि ये आप इसको जो है वेरीफाई करेंगे। अब देखिए जैसे ये आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे, यहां भी आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे ये जो है तीन वैल्यूज आई हैं, आप इन तीन वैल्यूज को ऐसे कह सकते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, क्योंकि आपको पता है ये चले ओमेगा क्यूब के बजाय वन ही रहने देते हैं, वन ज्यादा अच्छा रहेगा, और इसको हम लिख देते हैं इस तरह से
ओमेगा टू दी पावर जीरो विच इज वन, वन की जगह लिख दिया और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो ये तीन इसकी पावर्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह से यू टू में जो है हमारे पास ये आया था वन और माइनस वन, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस वन की पावर जीरो यानी कि वन और फिर उसके बाद माइनस वन की पावर वन। ठीक, यानी एलिमेंट समझ लें एक ही है माइनस वन उसकी सारी पावर है, बिल्कुल इसी तरह से इसमें एक ही एलिमेंट है ओमेगा उसकी सारी पावर है, इसी तरह से इसमें देख इसमें भी असल में एक ही एलिमेंट है और वो है आयोटा, आयोटा की सारी पावर, आयोटा की पावर जीरो ये वन हो गया, फिर आयोटा की पावर वन ये आयोटा हो गया, फिर आयोटा की पावर टू ये माइनस वन हो गया, फिर आयोटा की पावर थ्री ये क्या हो गया, ये आयोटा की पावर थ्री जो है ये माइनस आयोटा हो गया, ये सारी इसकी पार्ट्स हैं। तो आयोटा टू दी पावर जीरो वन टू थ्री, और एक्चुअली जो आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ये पार्ट्स एड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। अब देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे हो रही हैं, ये इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं एक नई चीज़ शुरू कराऊंगा और वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। आप माइनस वन की पावर जीरो सही, तो माइनस वन की पावर जीरो वन हो गया और माइनस वन की पावर माइनस वन हो गया, तो यही दो। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ये इसकी जगह तो ये समझ लें पहले लिखिए ना माइनस वन की पावर जीरो वन लिया माइनस वन लिया, नहीं समझ में आ रहा नहीं, जिस चीज की पावर जीरो तो वन आ जाता है, ठीक है, किसी भी चीज की पावर जीरो हो ए टू दी पावर जीरो तो वन आ जाता है क्योंकि वो अपने आप से डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा तो ये अब आप ये देखेंगे यहां पर इसका कंपोजिशन टेबल जब आप बनाए तो ये आयोटा टू दी पावर यहां देख लेते हैं